इस वक्त हमें अलमाटी के अंदर, यानी अलमाटी एक मार्केट है जहाँ पे सब कुछ मिलता है। 70 से ज्यादा वैरायटी की ब्रेड्स बनती हैं। लोग यहाँ भी खाने के शौकीन है। मैं सोचता सिर्फ इंडिया में ही घोड़े के कटे हुए सर तक दिखेंगे। रिलायंस है ड्राई फ्रूट की मार्केट है यार। तो यहाँ मिले बहुत सारे भैया अपने इंडियन भाई लोग। ये क्या होगा भाई साहब, समझ सकते? शाहरुख खान, क्या बात, ऐश्वर्या राय। ये उनसे लेडी, हेलो। इंडियंस को बहुत प्यार करते हैं और So hello guys, welcome again to my next vlog. और जैसे कि पता है हम घूम रहे हैं कजाकिस्तान। इस वक्त हमें अलमाटी के अंदर और अलमाटी की खूबसूरत जगह आपको घुमा रहा हूँ। अभी हम जा रहे हैं यहाँ की फेमस बहुत बड़ी ग्रीन मार्केट, यानी अलमाटी की एक मार्केट है जहाँ पे सब कुछ मिलता है। कहते तो ऐसे ही है, देख के आते हैं। हमारे इंडिया की तरह मार्केट लगती है ना, कुछ इस तरह से यहाँ मार्केट लगती है। हेलो। तो ये रोड पे लगा हुआ है और यहाँ विंटर में ठंड बहुत पड़ती है, तो यहाँ गर्म कपड़े बहुत ज़्यादा मिलते हैं। सस्ता ही है, ज़्यादा महंगा नहीं है। और यहाँ की करेंसी की बात करो तो यहाँ की करेंसी है टेंगे, जो कि हमारे यहाँ का 1 रुपया यहाँ के 5.5 रुपये बनते हैं टेंगे। पर करेंसी में मत जाना मेरे भाई, यहाँ की करेंसी जरूर वॉल्यूम में कम है। हाय, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सलाम सलाम सलाम, हेलो, हाय। लोग बहुत अच्छे हैं, हसमुख है, जैसे कि आप देख ही रहे हो। करेंसी में मत जाना, करेंसी की वॉल्यूम जरूर कम है, पर यहाँ के लोग बहुत अमीर हैं, बहुत पैसा लोग, बस एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ लोगों के पास यहाँ पे हैं भाई। तो करेंसी में मत जाना, सिटी वेल डेवलप है यार। सिटी इस तरह से मैनेज कर रखी है, पूछो मत। मतलब इसकी जो कटिंग कर रखी है, जो नक्शा है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी। सर्दियों में -40-50 तक इसका टेम्परेचर जाता है, गर्मियों में इतनी गर्मी पड़ती है, पूछो मत। और यहाँ पे इसी तरह से बिल्डिंग्स है सारी, और इन बिल्डिंग्स के अंदर ही मार्केट्स वगैरह बनी हुई है। लोग काफ़ी हसमुख है, बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो लैंग्वेज बैरियर है ना, उसके कारण बात करने में दिक्कत होती है। यहाँ पे केक ब्रेड्स बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। इस तरह की आपको शॉप्स जगह जगह मिल जाएगी, इस तरह से मार्केट आपको जगह जगह मिल जाएगी। तो कोई इतना तरीके से बना हुआ हर घर के बाहर ना, इस तरह से गार्डन एरिया, बच्चों के खेलने की जगह बना रखी होती है। और यहाँ पे लेडीज़ बहुत ज़्यादा काम करती हैं, ये काफ़ी एज है और ये सामान बेच रहे हैं। 500 टेंगे का ये छोटा सा है। इंडिया से? हाँ हाँ मेरे भाई, इंडिया से ही। चर्च ढूंढ रहा हूँ, इनको ट्रांसलेट करवा रहा हूँ। कौन सी चर्च? यहाँ पे कैथेड्रल है। कैथेड्रल चर्च, वो तो पीछे की तरफ है, गलत जा रहे हो तुम। इस तरफ नहीं है, इस तरफ मॉस्क है। नो, ही विल हेल्प मी। मैं बॉम्बे से हूँ। मुंबई से? वाह। टिकट फ्री, एयरपोर्ट पे काम करता हूँ। तो एयरपोर्ट पे टिकट फ्री है, वीज़ा फ्री है, वे घूमने चलो, बढ़िया यार। तो भाई को थोड़ा गाइड कर देते हैं भाई। यहाँ भी मार्केट्स लगती हैं, हमारे इंडिया की तरह सेल्स वगैरह लगी रहती है। अभी आगे आगे और भी मार्केट लग जाएगी। शॉपिंग शॉपिंग करनी हो तो भैया इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन है। फिलहाल हम चल रहे हैं आपको जैसे होता है ग्रीन मार्केट। ये देखो खूबसूरत जगह, खूबसूरत लोग, पीवियत पीवियत करते हुए चलते हैं। पीवियत का मतलब होता है हेलो, और मेरे ख्याल से वो है ग्रीन मार्केट। देखो भैया ऐसा थोड़ा सा रशियन सीख लेना, नहीं तो गूगल ट्रांसलेटर ले आना, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, अगर कोई बैचलर आ रहा है तो। बात समझ रहे हो ना, काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ का। इस तरह से हमारे इंडिया की तरह यहाँ पे लगी हुई है मार्केट, सामान सुन शॉपिंग शॉपिंग के लिए। यहाँ पे गर्म कपड़े आपको दबा के मिलने वाले हैं। और यहाँ की ब्रेड्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, 70 से ज़्यादा वैरायटी की ब्रेड्स बनती हैं। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, सच बता रहा हूँ, मन कर रहा है खा लिया है। इस तरह से छोटे छोटे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, लोग खा रहे हैं कबाब वगैरह, शोरमा वगैरह। तो यहाँ पे देखो लेडीज़ ही ज़्यादा काम करती हैं। ये देखो ब्रेड्स, केक मिल रहे हैं, शोरमा मिल रहा है। लोग यहाँ भी खाने के शौकीन हैं। मैं सोचता सिर्फ इंडिया में ही खाने का हड़कम मचा हुआ है, नहीं भाई, इंडिया से बाहर भी बहुत सारे लोग बहुत शौकीन हैं खाने के। और ये कैप्स बहुत अच्छी लगती हैं। हाउ मच? 6000 टिंगा, 6000 टिंगे की है ये, लगभग 1100-1200 की, थोड़ी महंगी है। और ये मार्केट यहाँ से स्टार्ट होती है, ये पूरी है ग्रीन मार्केट, और ये बाहर से स्टॉल्स वगैरह लगने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ मिल रहे हैं फ्रूट्स, काफ़ी सस्ते हैं, 350 टिंगे के 1 किलो। बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, नई नई चीज़। ये पता नहीं क्या है, 1000 टिंगे का है। ये क्या है भाई, पता ही नहीं क्या है यार, बताना कमेंट करके। कुछ तो कहना चाह रहे हैं, समझा रहे हैं, पर अपने को तो समझ कुछ नहीं आने वाला भाई। यहाँ काफ़ी कुछ मिल रहा है, चीज़ है, मे बी इट्स अ चीज़ देखने का ही है, हम देखेंगे। प्रीवियत, हेलो भाई, प्रीवियत ही बोलना था, उसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। दादी अम्मा वगैरह बैठी हुई हैं, सारी लेडीज़ बुढ़ी बुढ़ी हैं, दादी अम्मा है सारी। हेलो प्रीवियत, प्रीवियत, ये भी कुछ बेच रहे हैं, बंद गोभी के अंदर पता नहीं क्या डाल रखा है। प्रीवियत, नहीं आंटी ने बात नहीं करनी। तो चलिए आपको लेके जा रहा हूँ यहाँ की सबसे बड़ी ग्रीन मार्केट, यानी यहाँ की मीट मार्केट, होलसेल मार्केट कह सकते हो। पर जो भी मैंने सर्च करा है, यहाँ पे मिलता है घोड़े का मीट, घोड़े के कटे हुए सर तक दिखेंगे। ये है आपका ग्रीन मार्केट, आपकी अलमाटी की। सर इंडियंस भी दुनिया भर के दिख जाते हैं यहाँ पे, काफ़ी बड़ी मार्केट है भाई। अब देखते हैं यहाँ क्या क्या मिलता है। तोरी मिल रही है 350 टिंगे की 1 किलो। ये क्या है भाई, टमाटर 600 टिंगे का, 100-125 रुपये किलो, बड़ा बड़ा टमाटर है यार। ये सारे फ्रूट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं सारे। ये कौन सा फ्रूट है? प्रीवियत,
व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फ्रूट? एसिक। बाकी ये फ्रूट कुछ अलग ही लग रहा है, यूनिक सा फ्रूट है, आड़ू लग रहा है मुझे हाथ लगाने से। तो यहाँ पूरी फ्रूट मार्केट है दोनों तरफ, यहाँ भी फ्रूट। सब्जियाँ कितनी खूबसूरत लग रही हैं, हरी भरी खुली खुली। ये शिमला मिर्च टमाटर 300 टेंगे के, एक टेंगा 5.5 रुपये के से कैलकुलेट कर लेना भाई। स्ट्रॉबेरी है 1600 टेंगे की, इट्स अ ब्लैकबेरी। और यहाँ सारे ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स सारी आइटम्स इस तरह की खाने मिलती है। ये देखो ड्राई फ्रूट, ड्राई एप्पल है, बेरीज है मेरे ख्याल से ना। ये क्या मुझे समझ नहीं आया, ये बताना मुझे। हेलो प्रीवियत, फ्रेश फ्रूट्स, बेरीज, कैंडीज, ड्राई फ्रूट्स मार्केट आ गई। और प्राइस किसी का नहीं लिखा, हाउ मच इसका? 2000 टेंगे का है 1 kg डिस्काउंट। हाउ मच दिस? 1500। इंग्लिश समझ रहे हैं और ये डिस्काउंट भी दे रहे हैं, वैसे सही है, 250-300 रुपये का हो गया यार, काफ़ी बढ़िया। इन जगह पर ड्राई फ्रूट वैसे ही बहुत सस्ता होता है। और ये मसाले भी बिक रहे हैं, फ्रूट 270 टेंगे का आपका 1 किलो। सारी मार्केट खाने की है, ड्राई फ्रूट्स की है। हेलो, टेस्ट करते हैं भाई, टेस्ट भी बढ़िया है। पर यार सर बताओ तो, बादाम एज़ कम्पेयर हमारे इंडिया से महंगे हैं। लाइन से ड्राई फ्रूट की मार्केट है यार, यहाँ पे फ्रूट्स के, सब्जियों के, मुझे तो सारी फ्रेश सब्जियाँ नज़र आ रही हैं, सारी की सारी। प्याज देखो कितना खूबसूरत है यार, ये रेड बेरीज हैं भाई, खा के देखते हैं। पर ठीक है यार, 400-500 रुपये किलो भाई, काफ़ी बड़ी मार्केट है यार, काफ़ी फ्रेश सामान मिलता है। ये इस तरह से फ्रोजन मांस बहुत ज़्यादा खाते हैं, ये शायद ऊपर है मीट मार्केट, पर ये कि मेन होलसेल मार्केट है, यहाँ पे आपको सब कुछ सारा सामान मिल जाएगा और अच्छे खासे प्राइस में मिल जाएगा, चिकन वगैरह सब फ्रोजन है। तो यहाँ मिले बहुत सारे भैया अपने इंडियन भाई लोग, और ये सारे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ सारे राजस्थान से भाई, 2 लोग हैं अपने दिल्ली वाले। मैं हरियाणा वाले भी हो, क्या बात है। तो ये मेडिकल जो स्टडी होती है, ये एक्चुअल स्टडी होती है या बस वो सब फॉर्मेलिटी के लिए है, डिग्री लेने आते हैं लोग? कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड, कॉलेज के ऊपर डिपेंड। अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे आपको पढ़ाते हैं, एक्चुअल मिलेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि ये पढ़ाते नहीं है, हेलो, कुछ लोग कहते पढ़ाते नहीं है, मतलब सिर्फ खुद से पढ़ना पड़ता है उसके बाद भैया मतलब एग्जाम वगैरह, ऐसा कुछ है कहानी? वो तो यूरोपियन सिस्टम है, यूरोपियन पढ़ना खुद ही पड़ेगा। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी आप जाओ भी मत तो डिग्री मिल जाएगी। चलो, अगर आप लोग अगर कमेंट करोगे और कहोगे तो भैया यहाँ के स्टूडेंट्स के ऊपर एक बातचीत करके एक ब्लॉग बना देंगे कि अगर आप लोगों को स्टडी के लिए आना है तो क्या एक्सपीरियंस इन लोगों का यहाँ पे रहना खाने में और जो भी स्टडी को लेके। बाकी भाई लोग से मिलकर अच्छा लगा यार, बाय बाय गाइस, बाय बाय भाई। इनकी बहुत तगड़ी लोकल मार्केट है, यहाँ नीचे ऊपर शॉप ही शॉप है, चारों तरफ सारे कपड़े की मार्केट है भाई, और विंटर क्लोथ ज़्यादा मिलता है यहाँ पे। भैया मार्केट के अंदर ना चाय बेच रहे हैं, चाय बना रहे हैं, यहाँ के लोग भी चाय बहुत पीते हैं। और मुझे एक्चुअली एक इंडियन मिला था, वो भी कह रहा था चाय पीनी है, मैं कहा नहीं भाई चाय नहीं पीनी मुझे। दिस इज चाय, इंडियन चाय? नो भाई, चाय बन रही है यहाँ पे, इस तरह से चाय मिलती है, दूध डाल के, चीनी डाल के। ये देखो दूध लेके चल रहे हैं, ये बन गई चाय। ये पर भाई चाय तो बिल्कुल अपनी तरह ही है, पर बहुत ज़्यादा भर के पीते हैं। वो नॉन वेज आइटम्स का ना अचार वगैरह मिल रहा है, डिशेज वगैरह पता नहीं क्या है। ये उसी के साथ आगे की तरफ एक मार्केट है शायद यहाँ पे दिखे, जो मैं देखना चाह रहा हूँ और दिखाना चाह रहा हूँ। काफ़ी बड़ी मार्केट है, यहाँ भी सामान काफ़ी सारा मिलता है। हेलो, सलाम सलाम। यहाँ भी फिलहाल फ्रूट्स ही नज़र आ रहे हैं भाई, अजीब सी सब्जियाँ देखने को मिल रही है। ये तो मालूम है कद्दू है, ये क्या है भाई? कमेंट करना है, पता नहीं कुछ कह रहे हैं, पर ये समझ नहीं आया, ये भी कुछ डिफरेंट है, अजीब सी मतलब सब्जी देखने को मिल रही है। फाइनली भैया इतना घूमने के बाद, इतना बड़ी जगह है, मुझे पहुँच गया हूँ अपनी जगह पर, यह है मीट मार्केट यार। मतलब कजाकिस्तान में ये लोग मीट खाते हैं, मतलब नॉनवेज खाते हैं, वो कैसा होता है, किस तरह का दिखता है। और भाई साहब यहाँ पे बकरी भी नहीं खाते, यहाँ पे गोट खाते हैं, मतलब भेड़ खाते हैं, घोड़ा तो खाते हैं। तो चलो यार, क्या है इतने बड़े बड़े पीस, ये घोड़े की टांग वांग कुछ ना कुछ तो होगा, ये क्या होगा भाई साहब, समझ सकते हो? मुझे भी नहीं पता, अब इनसे बात करके पूछना समझाना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर मैं पूछ लेता हूँ घोड़े का मीट है या नहीं है ये। इट्स अ हॉर्स मीट भाई, घोड़े का मीट है। ये देखो जितना बड़ा ये पीस है ना, सब ये घोड़े का ही है, हॉर्स का ही है, ये तो कंफर्म हो गया। और ये पूरी बहुत बड़ी मार्केट है, और ऐसी 4-5 मार्केट, कपड़ों को लेके, जूतों को लेके, शॉपिंग को लेके, हर एक चीज़ की मार्केट साथ साथ जुड़ी हुई है यार। ये देखो पूरी ये जो सामान बिक रहा है, ये घोड़े का बिक रहा है, और यहाँ घोड़ों को पूजा भी जाता है और घोड़ों को खाया भी जाता है। अभी इसको कन्फर्म करने के लिए देखते हैं, कहीं घोड़े का सर्वर रखा होगा तो आपको दिखाता हूँ। ये घोड़े का शायद कुछ वो है, अंदर की अंतड़ी पंतड़ी होती है ना, जो लीवर की हमारी जो पाइपें होती है, शायद वैसे कुछ है ये। हेलो, ब्लैक कलर का जो मीट है ना, सारा घोड़े का ही है, नो डाउट, ये ऐसा ना किसी का भी नहीं होता। जैसे इट्स अ हॉर्स मीट ना, हॉर्स मीट। ये है 5500 टेंगे का 1 किलो।
और यहाँ एक चीज़ और कहा जाता है कि अगर आपको घोड़े का मीट यहाँ पे अगर किसी के घर जाते हैं और वो अगर खुद से सर्व करते हैं तो वो आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत कर रहे हैं, और अगर वो सामने से चिकन सर्व कर रहे हैं तो भैया समझ लेना कि वो आपकी इतनी इज्जत नहीं कर रहे। तो ये चिकन बहुत कॉमन है यहाँ पे, घोड़े के मीट को बहुत ही इज्जत से वो बनाया जाता है। पर ये मेरे ख्याल से घोड़े का नहीं है, ये शायद पिक का है, सुअर का। ये चिकन है, अलग अलग पोर्शन में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। काफ़ी बड़ी मार्केट है, ये फिश मार्केट है। हेलो, देखो लिखा हुआ है, ये पिक, ये कॉक और ये हॉर्स, देखो लिखा हुआ है। यार कहाँ भटक रहा हूँ मैं, देखो हॉर्स लिखा हुआ है यार, ये पूरा सेक्शन हॉर्स का है। देखते हैं कहीं ना कहीं उनके में सर भी दिखे मिल जाएंगे। बड़े चाव से, बड़े शौक से लोग खाते हैं यार। ट्राई करेंगे, यहाँ पे इसकी डिश होती है बहुत फेमस, पता करेंगे। वहाँ पे 5500 का था, यहाँ 5000 का है टेंगे का। और ये पूरा सेक्शन, सबसे बड़ा सेक्शन ही घोड़ों का है, देख रहे हो ये सारा क्वांटिटी घोड़ों का मांस बिक रहा है यार। ये अंदर का लीवर का हिस्सा ही है, ये कुछ होगा शायद, पता नहीं क्या कहते हैं, कहना तो नहीं चाहिए, पर अब ट्राई जरूर करेंगे अगर इसकी डिश होगी। कहते बहुत टेस्टी होती है। हेलो, तिब्बत, तिब्बत, हेलो, इंडिया, इंडिया। शाहरुख खान, शाहरुख खान, क्या बात, ऐश्वर्या राय, आनंदी, यस यस, आनंदी सीरियल, आनंदी, आनंदी, ओह He's like Nandi maybe, eh? Yeah, yeah, yeah. I know. Nice to meet you, bro. Kinja, me. Oh, bhai, bachpan se sare unki movies dekhte aaye hain, bhai. Log waqai mein bahut acche hain yahan ke. Thank you, bro. Vlogger. Haan, vlogger, bro. Thank you. Hello. 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 घोड़े का नहीं दिखा मुझे, ये बकरे का सर है यार, घोड़े का सर नहीं दिखा मुझे। भाई ये घोड़े का क्या है, इसको क्या कहेंगे भाई साहब, है ना, लीवर ही है भाई। घोड़े का नहीं नजर आया अभी तक मुझे, घोड़े का सर बड़ा मुश्किल से दिखेगा अगर दिखेगा तो। ये गाय का है सारा मीट, ये सारा भेड़ का है। हेलो, PBS, ये भेड़ का है, भेड़ के भी तम तगड़ा कैसे है भाई। आज आपको दिखा रहा हूँ भैया क्या खाते हैं, क्या क्या, ये देखो, देख रहे हो, ये सारे बकरे हैं। मैं घोड़े का सर क्यों नहीं नज़र आया मुझे, ये उनसे लेडी, हेलो, यहाँ पे मिलती है दूध से बनी हुई चीज़ें, दूध से बना हुआ पनीर, ये वो लटरम पटरम जो होती हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें एक्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है, पर ये सारी चीज़ें लाइन में। हेलो, हेलो, प्रीवियत, व्हाट इज दिस, दिस इज अ लीवर, लीवर। तो क्या कहना आपका ये सब देख के यार, कुछ हॉरेबल भी लगता है, पर सब बताऊँ तो अब इतना ट्रैवल होता है ना तो ये सब चीज़ें अब कॉमन हो गई है, क्योंकि हर कंट्री में कहीं ना कहीं लोगों का अलग अलग खाने का कल्चर है, हर जगह कुछ ना कुछ खाया जाता है। वैसे कायदे से देखा जाए तो भैया ज़्यादातर चीज़ें हमारे यहाँ भी खाई जाती है, बस घोड़ा बहुत महंगा है भैया, हमारे यहाँ नहीं खाया जाता। अगर जैसे यहाँ पे इतना कॉमन है, वैसे हमारे यहाँ कॉमन होता शायद बड़ी बात नहीं, हमारे यहाँ भी खा लेते। तो भाई अब समेट रहे हैं मार्केट, मेरे ख्याल से क्लोज होने का टाइम है। इट्स अ क्लोजिंग टाइम, क्लोज टाइम, ओके। अगर आप अलमाटी आ रहे हो, अलमाटी सेंटर के अंदर ये मार्केट पड़ती है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत सारे सेक्शन है, कपड़ों को लेके, जूतों को लेके, खाने को लेके, टॉयज को लेके, मतलब हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कुछ कह रहे हैं, भाई इंडियंस के बहुत ज्यादा है, ऋषि कपूर, शाहरुख खान, यस शाहरुख खान, कांचा दस, कांचा भाई मुझे आधी बात समझ आई, आधी बात समझ नहीं आई, सच बताऊँ तो इनके लिए गूगल से बात करनी पड़ेगी। जी 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 जी, लेडीज काफ़ी मस्ती कर रही थी, वो कह रहे हैं इनके अफेयर है इंडिया के अंदर, और उनको काफ़ी सारे एक्टर्स की उनकी उम्र वगैरह जाननी थी तो वो बता दी हमने। प्रीवियत, प्रीवियत, इंडिया प्रीवियत, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। तो भाई ये इंडियंस की इनको लगता है दिखती हैं, बाकी ये कि यहाँ के लोग वैसे ही बहुत स्मार्ट है, गोरे चिट्टे सुंदर सुंदर से हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हो। लव इंडियंस, इंडियंस को बहुत प्यार करते हैं, और महबूबा गाना, जो ओल्ड पीपल हैं यही लोग ना इंडियंस के पुराने कल्चर को जानते हैं, जो नई पीढ़ी है मेरे ख्याल से वो नहीं जानती, वो शायद शाहरुख खान को जानती होगी। महबूबा, 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 यस महबूबा, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय भाई, काफ़ी अच्छे लोग हैं। चलो निकलते हैं इस मार्केट को, मैंने आपको दिखाना था। हेलो, बाकी सब बढ़िया है, छोटी जिंदगी है, दुनिया बहुत बड़ी है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बरसाते रहिए। इस वीडियो को इतना रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छी लगे शेयर कर देना, नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।
I feel like I'm losing my mind.